वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम इसमें सब टॉपिक कवर करेंगे गवर्निंग स्ट्रक्चर आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम इसको कवर कर रहे होंगे पाकिस्तान में जो सिस्टम है पार्लियामेंट का दैट इज़ फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और उसमें प्रेजिडेंट जो हैं वो हेड ऑफ़ स्टेट के तौर पर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट के तौर पर होते हैं तो हेड ऑफ़ स्टेट को उर्दू तर्जुमा अगर हम करेंगे तो सरबराह रियासत और हेड ऑफ़ गवर्नमेंट के हिसाब से हम बात करेंगे तो सरबरा हुकूमत तो जो गवर्नेंस पूरी चलानी है यानी कंट्री कैसे चलाना है उसके लिए जो है वो पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास हैं और हेड ऑफ़ स्टेट के तौर पर जो एक सिंबॉलिक पाकिस्तान की यूनिटी को रिप्रेजेंट करना है दूसरे कंट्रीज़ के साथ और विद इन पाकिस्तान भी तमाम प्रोविंसेस को वो प्रेसिडेंट ने करना है एज हेड ऑफ़ स्टेट तो इसमें जो हमारा फेडरल लेजस्लेटर है जो लॉ बनाने वाली है वो बाई कैमरल मजलिस शूरा है यानी पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं और ये कंपोज होती है तीन चीज़ों से प्रेसिडेंट नेशनल असम्बली जिसे लोअर हाउस भी कहा जाता है उर्दू में ऐान जेरिंग कह देते हैं और सेनेट या इसे अपर हाउस कहते हैं और उर्दू के अंदर इसे ऐान बाला भी कहा जाता है तो प्रेसिडेंट नेशनल असम्बली और सेनेट ये तीन ऐसे ऑफिसज़ हैं ऐसे इदारे हैं जो मिलकर जो फेडरल लेवल पर हमारे पाकिस्तान में लॉ बनाते हैं प्रेजिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स uh, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो हैं आर्टिकल 41, 44, 46 एंड 48 और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट हैं और रिप्रेजेंट करते हैं यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को यानी जो जमहूरी हमारा मुल्क है इसकी यूनिटी को रिप्रेजेंट जो कर रहे होते हैं वो प्रेजिडेंट कर रहे होते हैं प्रेजिडेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं क्योंकि प्रेजिडेंट जो है वो तमाम सूबों की तरफ से भी उनकी अपॉइंटमेंट होती है उनकी तरफ से भी उन्हें वोट मिले होते हैं तो प्रेजिडेंट के लिए रिक्वायरमेंट है कि ही मस्ट बी अ मुस्लिम प्रेजिडेंट इज इलेक्टेड फॉर सेनेट नेशनल बाशन एंड ऑफ प्रोविशियल वोट मिलते हैं और पांच साल के लिए अपॉइंट होते हैं और प्रेजेंट जो हैं वो री इलेक्शन भी कर सकते हैं एक बार प्रेजिडेंट बन गए पांच साल की फिर अगली बार फिर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं लेकिन कोई भी इंडिविजुअल टू कंजेक्टिव टर्म से ज्यादा के लिए ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता फर्दर जो पॉइंट प्रेजिडेंट से रिलेटेड है वो ये नॉर्मली जो मेजोरिटी पार्टी होती है नेशनल असेंबली में वो नॉमिनेट करती है एक प्रेसिडेंट को क्योंकि जो आ, नेशनल असेंबली में जिसकी मेजॉरिटी होती है उसकी अक्रॉस द प्रोविंसेस भी अक्सर तमाम प्रोविंसेस में मिलाकर भी उनकी मेजॉरिटी बन रही होती है और फिर सेनेट में भी उनकी काफ़ी सीट्स होती हैं तो वो उस बेस पर नॉमिनेट करती हैं कि जी प्रेजिडेंट के तौर पर कौन कॉन्टेस्ट करेगा फिर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ही हैज़ टू कीप द प्रजीडेंट इन्फॉर्म ऑन ऑल मैटर्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरन पॉलिसी तो जितने भी इंटरनल मैटर्स चल रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स चल रहे हैं इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट जो जो लॉ बनाना चाह रही है जो लेजिस्लेटिव उनके प्रपोजल हैं जो वो पार्लियामेंट के सामने रखना चाहते हैं उनके बारे में प्रेजिडेंट को इन्फॉर्म रखना ये प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉसिबिलिटी है प्रेजिडेंट जो हैं वो तमाम स्टेच्यूट्स को अप्रूव भी करते हैं यानी जब कोई लॉ नेशनल असेंबली और सेनेट से पास हो जाता है तो उसके ऊपर असेंट दी जाती है फ्रॉम प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट का अप्रूवल के साइन भी होते हैं प्रेजिडेंट जो हैं वो एक्ट करते हैं इन अकॉर्डिंग विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर तो प्रेजिडेंट का जो भी काम करने का वे होता है उसमें वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को उन्होंने सामने रखना होता है तो उससे के अगेंस्ट जाना जो है प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल तो जो हम जनरल इलेक्शंस में एम एन अपॉइंट करते हैं मेंबर्स ऑफ नेशनल उनमें से एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है और जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होते हैं जिस पार्टी के या एक पार्टी से ज़्यादा का अगर कोई इतिहाद बन जाता है तो वो फिर एक पर्सन को नॉमिनेट करते हैं और फिर उसे इलेक्ट करते हैं फिर उस इंडिविजुअल की अपॉइंटमेंट प्रेजिडेंट की तरफ से होती है एज प्राइम मिनिस्टर तो नॉमिनेशन और इलेक्शन नेशनल असम्बली के मेम्बर्स की तरफ से होता है लेकिन जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेजिडेंट की तरफ से होती है फिर प्राइम मिनिस्टर को ये स्पोर्ट के लिए एक फेडरल कैबिनेट होती है जैसे काबीना कहते हैं जिसमें तमाम मिनिस्टर्स होते हैं तो इट इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं लेकिन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पर करते हैं यानी प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होती है कि वो किसको अपना मिनिस्टर बनाना चाहते हैं फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो सपोर्टेड होते हैं फिर पूरी ब्यूरोक्रेसी से जिसमें सेक्रेटरीज हैं अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर जो अपॉइंटेड होते हैं और वो फिर जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने फार्मूलेट की होती हैं वो उनके ऊपर अमल करते हैं तो आप यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के जो नीचे सपोर्ट कर रहे हैं वो फेडरल कैबिनेट उसमें मिनिस्टर्स हैं और हर मिनिस्टर के नीचे जो है पूरा ब्यूरोसी का एक सिस्टम है जिसमें सेक्रेटरीज एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम कर रहे होंगे हर डिपार्टमेंट के अंदर देन सैनट की अगर हम बात करते हैं तो सैनट पे हम जो आर्टिकल्स यहाँ पे डिस्कस करें देट इज़ फिफ्टी नाइन सिक्सटी फोर्टी नाइन तो सैनट एक परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच ऑफ द फोर प्रोवेंसेज विद रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई द मेम्बर ऑफ़ द रिस्पेक्टिव असेंबली यानी सैनट के अंदर जो है तमाम सूबों की इक्वल सीट्स होती हैं जितनी सीट्स पंजाब की होंगी उतनी ही सीट्स जो हैं वो बलूचिस्तान की होंगी उतनी ही के पी के की होंगी और उतनी ही जो है सिंध की होंगी तो इसमें फ़र्क नेशनल असम्बली से ऐसे आ जाता है कि अदरवाइज़ अगर हम देखें तो जिस सूबे की ज़्यादा आबादी होती है उसके ज़्यादा लोग रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं नेशनल असम्बली के अंदर लेकिन सैनट के अंदर हर प्रोविंस में से इक्वल लोग रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं और इससे जो है हर प्रोविंस को अपनी जो मर्जी की बात है और अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऊपर पार्लियामेंट के लेवल तक पहुँचाने में पॉसिबिलिटी बनती है तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है फ्रॉम ईच ऑफ द फोर प्रोविंसेस दे आर आल्सो रिप्रेजेंटेटिव फ्राम इस्लाबाद कैपिटल टेरिटरी उधर से भी कुछ लोग होते हैं तो ये इस तरीके से सेनेट का काम होता है मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स ईयर यानी जो भी शख्स सेनेटर बनता है वो सिक्स ईयर्स के लिए बनता है लेकिन सेनेट में हर तीन साल के बाद इलेक्शन हो रहे होते हैं क्योंकि आधे लोगों का जो है ना इलेक्शन हो जाता है और फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं फिर जो अगली बार जो पुराने वाले आधे रह जाते हैं फिर उनका इलेक्शन होता है तो इस तरीके से सेनेट के अंदर जो इलेक्शन है वो हर तीन साल बाद हो रहा होता है लेकिन सेनेट कभी भी ख़त्म नहीं होता क्योंकि जिस टाइम पर इलेक्शन हो रहा होता है तब भी फिफ्टी परसेंट सैनेटर्स जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं पुराने वाले फिर फिफ्टी परसेंट न्यू आ जाते हैं फिर पुराने की जगह नए इलेक्ट हो जाते हैं और फिर न्यू आ जाते हैं एंड सो ऑन इट गोज ऑन सेनेट परमानेंट इंस्टीट्यूशन है तमाम मेंबर्स का इलेक्शन एक साथ नहीं होता तो इसमें जो है परमानेंट बेसिस पर जो है इसकी प्रेजेंस कंटिन्यू करती है नेशनल असम्बली में ये होता है कि नेशनल असम्बली अगर अपनी मुदत पूरी भी कर ले तो फिर तीन महीने के लिए एक निगरान हुकूमत आती है उस दौरान कोई एम एन एज़ नहीं होते फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं फिर एक जो है ना नई नेशनल असम्बली बनती है तो वो परमानेंट बॉडी नहीं है उसके मुकाबले में सेनेट जो है एक परमानेंट लेजिस्टिव बॉडी है सेनेट में जो सैनिटर्स होते हैं जो मेम्बर्स ऑफ सैनिटर हैं सैनेट हैं वो इलेक्ट करते हैं चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन मेजोरिटी की बेस पे चेयरमैन ऑफ सेनेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट इन लाइन टू एक्ट होते हैं यानी अगर का ऑफिस वैकेंट हो जाता है तो वो प्रेजिडेंट के तौर पर काम करते हैं जब तक कि न्यू प्रेजिडेंट का इलेक्शन ना हो जाए रोल ऑफ सेनेट ये है कि नेशनल कोहेजन को प्रमोट करना हार्मनी को करना और जो स्मॉलर प्रोविंस हैं उनकी अफेयर्स को एलिवेट करना क्योंकि वो बाजूक जो ऐसे सूबे होते हैं जिनकी आबादी कम है तो वो ये कहते हैं कि नेशनल असेंबली के अंदर हमारी मेजोरिटी नहीं है और इसलिए हमारे पॉइंट्स को नहीं सुना जाता लेकिन सेनेट में सबकी इक्वल जो है रिप्रेजेंटेशन है तो इस बेसिस पर यहां पर तमाम प्रोविंस मिलकर काम कर रहे होते हैं तमाम जो स्टेट्यूट पास होते हैं जितने भी लॉ पास होते हैं नेशनल असेंबली में वो सेनेट से भी अप्रूव होने होते हैं सिवाय मनी बिल्स के यानी जैसे जो बजट वगैरह या फाइनेंस एक्ट वगैरह होता है इसके अलावा जो भी मामला आते हैं वो तमाम के तमाम नेशनल असेंबली में जब लॉ अप्रूव होगा तो वो सेनेट से भी फिर अप्रूव होना होगा और इसी तरह पहले सेनेट में अप्रूव हो के बाद में नेशनल असेंबली से अप्रूव होना होगा तो कोई भी वे इसमें से फॉलो किया जाता है लेकिन मनी बिल्स में जो है सैनेट की सिर्फ रिकमेंडेशनस ली जाती हैं सैनेट का उसके अंदर अप्रूवल ज़रूरी नहीं होता अब नेशनल असम्बली की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल फ़्टी वन फिफ्टी टू एंड फिफ़्टी थ्री से रेलिवेंट हैं नेशनल असम्बलीज के जो मेंबर होते हैं एमएनएस ये बहुत फेमस हम देखते हैं नॉर्म क्योंकि जनरल इलेक्शन से इलेक्ट होकर जाते हैं तो सीट्स फॉर नेशनल असम्बली जो हैं, वो of of है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रोविंस होती हैं जिस तरह सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पंजाब प्रोविंस की है तो सबसे ज़्यादा जो एम हैं वो पंजाब से इलेक्ट किए है जाते हैं और सबसे कम जो आबादी है वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रोविंस की है तो सबसे कम एम बलूचिस्तान से इलेक्ट होते हैं मेंबर्स जनरल सीट्स पर भी इलेक्ट होते हैं फाइव इयर्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वोट्स और जो भी जिस तरह हम जाते हैं और बूथ पे पोलिंग करते हैं और उसमें वोट्स होते हैं इसके अलावा कुछ रिजर्व सीट्स हैं वीमेन और नॉन मुस्लिम्स की भी जो हर पार्टी को फिर जो उन्होंने जनरल सीट्स जीती होती हैं उसकी बेस पर उन्हें एलोकेट होती हैं मेम्बर्स जो हैं जो एम हैं वो अपने में से ही स्पीकर डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं यानी स्पीकर डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर का एम होना भी ज़रूरी होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो नेशनल असम्बली का है वो है लॉ मेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी तो नेशनल असम्बली का काम जो है वो लॉ बनाना है ताकि जो मसाइल आ रहे हैं आवाम को उनसे रिलेटेड जो है वो कानून बनाया जाए फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे गवर्नमेंट काम करे और उसके लिए पॉलिसीज बनाएँ ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर से एक्सीड ना करें और प्रॉपर वे में काम करें दैट्स ऑल फॉर टूडेव अ गुड डे